साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोगों के कमेंट आए हैं, आप लोगों की क्या सोच रखते हो, क्या विचार आपके रखते हैं। तो मैं कुछ लोगों के शॉर्ट लिस्ट किए हैं मैंने, तो मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, एक साथियों मैंने वीडियो डाला था लाइव इंटरव्यू दुबई वर्करों में, मैंने दो चार लड़कों से बात दो चार क्या ज़्यादा से मिली थी, लेकिन काफ़ी बार होता क्या है कि लड़के ऑन स्क्रीन आना नहीं चाहते, तो वो लड़के मना कर देते सर हमारा हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। कुछ लड़के वैसे होते हैं कि हाँ ठीक है सर हमें यूट्यूब पे आप वीडियो बना के डाल दीजिए। ठीक है, तो कुछ दो लड़कों के मैंने और भी थे, लेकिन मैंने एक दो लड़कों का इंटरव्यू लिया था, चेतन अरोरा हैं, लाइव इंटरव्यू मैंने डाला था। ये बोलते हैं सर एक बार ट्रांसगार्ड में जाकर इंटरव्यू लो। तो भाई मैं बता दूं कि होता क्या है कि ट्रांसगार्ड ऐसे कैसे आदमी को एंट्री दे देगी, दुबई में हजारों कंपनियां हैं। ठीक है, और ऐसे किसी का लाइव इंटरव्यू बना के आप कैसे डाल सकते हो, किससे अथॉरिटी ली, ऐसा नहीं हो सकता। ये वहीं से बनता है जहाँ पे या तो अपना कोई जान पहचान का हो या फिर अपना कोई जानकार हो जो परमिशन दे सके। तो ऐसे अब ट्रांसगार्ड का क्या इंटरव्यू डालना भाई, आप क्या कहना चाहते हो? ट्रांसगार्ड का घंटी घटिया कंपनी है, ट्रांसगार्ड दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है, मैं बता दूं आपको, और शायद आप काम करते होंगे तो आपको पता होगा बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों वर्कर उसमें काम करते हैं। अब चाहे वो सप्लाई में दे चाहे वो कैसे दे, वो उनका फंडा है यार, फिर भी लोग काम पे जाते हैं ना, समझ गए? ऐसे किसी का इंटरव्यू बना के आप नहीं डाल सकते, ये अथॉरिटी नहीं मिल सकती आपको, समझ गए बात को। सेकंड क्वेश्चन, लोगों की देखो मेंटेलिटी कैसी होती है। सचित ये है सुजीत जगमाते, ये बोलते हैं ये दुबई नहीं कोई दूसरी कंट्री है, मैंने स्क्रीनशॉट साथ में डालूंगा आपको देखना। लोगों की इतनी घटिया सोच होती है कि वो लाइव कैमरे पर भी शक करते हैं, ये बोलते हैं कि ये दुबई का इंटरव्यू नहीं है, ये दूसरी कंट्री का इंटरव्यू है, ये ऐसा एहसास करवा रहा है कि ये चप्पे चप्पे को जानता है दुबई में। भाई आपको मैं बता दूं सुजीत, चप्पे चप्पे को जानते हो आपकी ये जगह पहचानते हैं, हाँ ये दीवार और फलानी जगह की ये दीवार है, ये दीवार बता दो फिर ये कहाँ की, अगर आपको तो पता ही होगा तो ये भी बोल दो कि ये तो फलानी जगह की है, क्योंकि आपको तो पता लग जाता है। राजेंद्र राउत बोलते हैं सर नमस्कार, विजिट वीजा लेकर दुबई गए तो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे? भाई दुबई में आप विजिट वीजा लेके जाओगे तो आपका परमिट हो जाएगा, कैसे होगा वो आपके एजेंट को पता है, आप जिसके थ्रू जाओगे वो बताएगा, वो उसका प्रोसेस है, समझ गए बात को, वो आपको बताएगा। बाकी विजिट टू वर्क दुबई के बारे में एक वीडियो पूरा डालूंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे एक भाई हैं, ये बोलते हैं सर बहुत अच्छी कंपनी लग रही है, ऐसी कंपनी 5-10 ही होगी ज़्यादा नहीं। लाइव इंटरव्यू वाले मैंने एक वीडियो डाला था कि रिहाइश कैसे मिलती है, मेरे भाई मैं बता दूं कि दुबई में लगभग कंपनियों की रिहाइश ऐसी है, हजारों कंपनियां हैं यहाँ पे, 5-10 की नहीं है, लगभग दुबई कंट्री लेबर लॉ के हिसाब में बहुत बेस्ट है, काफ़ी सारी कंपनियां मैंने देखी हैं। बाकी घर जैसी व्यवस्था तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ठीक है, 5-10 नहीं है, हजारों कंपनियां ऐसी हैं जिसमें रहन सहन बहुत अच्छा मिलता है, जो सुविधाएं अपने घर पे नहीं होती ना, समझ रहे हो बोल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो सुविधाएं घर पे नहीं मिलती वो यहाँ मिलती हैं। ओके, वाहिद कुरैशी बोलते हैं सर मेरे को दुबई में एंट्री नो एंट्री लगी हुई है, आप बता सकते हैं कि मैं चार्ज लगेगा वो मैं पे कर दूंगा। भाई नो एंट्री लगी हुई है तो पहली बात तो नो एंट्री किस चीज़ की लगी हुई, इंपॉर्टेंट वर्ड वो होता है, अब यहाँ लड़ाई झगड़े गए करके गए हो, ब्लैकलिस्ट होके गए हो तो नो एंट्री है तो नो एंट्री रहेगी। बाकी आपका वीज़ा में अगर आपको नो एंट्री लगी है तो आपका बिल्कुल समाधान हो जाएगा, किसी एजेंट से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जो भी फीस होगी आपको देनी पड़ेगी। सुमित्र बोर्डे बोलते हैं सर आपकी फीस कितनी है? भाई मेरी फीस मात्र 500 रुपये है, उसमें आपको मैं गाइड करूंगा, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम समस्या हो उसका समाधान कर दूंगा, मात्र 500 रुपये फीस मैं लेता हूँ। ठीक है, भोला पटेल बोलते हैं क्या विजिट वीजा पे दुबई जा सकते हैं, परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा? भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लेकिन मैं बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो एक ही वीडियो को सब नहीं देख सकते। भोला जी बिल्कुल आप विजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें इसमें भी प्रॉब्लम होती है, एजेंट से ले 3 महीने वाले वीजा में आए हैं। ठीक है, संजीव कुमार बोलते हैं सर मेरी आयु 47 साल है, क्या मेरे लिए दुबई में जॉब मिल सकती है, इसकी कृपया मुझे बताएं। 47 साल एज आपकी संजीव कुमार जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पे विजिट टू वर्क में तो ऑप्शन ही नहीं होता, 38-40 साल के बाद में लेते ही नहीं है, तो आप कोई पर वहाँ से कोई अगर इंटरव्यू दे के आते हैं तो आपका काम हो सकता है, बाकी यहाँ से ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है भाई, कमलेश कुमार यादव बोलते हैं सर मैं अभी दुबई में ही हूँ और इधर से इलेक्ट्रिशियन जॉब मिल सकता है क्या? बिल्कुल आप दुबई में हो चाहे कहीं हो, जॉब तो भाई मिल सकता ही है, कहीं पर भी आप ट्राई कर लीजिए, या तो जिस कंपनी में है उसी में करिए, या फिर कोई अच्छा एजेंट देखिए दोबारा से जो फेथफुल हो,
आपको वहां यहाँ क्या होता है, 6 महीने बाद स्विच कर सकते हो, दूसरी जॉब में अप्लाई कर सकते हो, दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल आपका हो सकता है अगर आप चाहो तो। लाइव इंटरव्यू दुबई वर्करों से मैंने एक वीडियो डाला था, इसमें राजू कुशवाहा बोलते हैं जिन लोगों को जॉब दिलवाया है उन लोगों का नंबर भी दिया करो। तो पहली बात तो मैं बता दूं भाई कि मैंने किसी को एक भी बंदे को जॉब नहीं दिलवाया है, ठीक है। दूसरी बात, अगर दिलवाया है होता तो भी क्या नंबर छोड़ देता, लाखों लोग हैं फिर क्या उनको कॉल करते रहते, थोड़ा तो आप भी दिमाग कर लो यार। किसी नंबर को पर्सनल नंबर को प्राइवेट कर दें सबको दिखाने के लिए, सब कॉल करते रहो, फिर वो जॉब तो किस लिए करेगा, कॉल ही करता रहेगा, हाँ ये सुविधा, ऐसे थोड़ी होता है। ओके भाई, आगे एक बोलते हैं मैंने एक वीडियो डाला था कौन लोग विदेश न जाएं, उन्होंने एक नीचे कमेंट दिया विशाल गुप्ता जी ने, इन्होंने बोला आज मैं यूएई में 55,000 रुपये कमाता हूँ रेस्टोरेंट में। इसका कहने का मतलब ये होता है कि इस वीडियो में मैंने, ये वीडियो चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है, लगभग साल भर पहले डाला था, कौन लोग विदेश न जाएं, मैंने इसमें कंडीशन बताई कैसे विदेश जाएं, परेशान होना वगैरह। तो ये बोलते हैं कि आज मैं सेट हूँ, 55,000 रुपये कमा रहा हूँ। बहुत कमलेश जी, विशाल जी, बहुत अच्छी बात है, 55,000 रुपये दुबई में कमा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये, थैंक यू इसके लिए आपको, धन्यवाद। मोहनलाल जी बोलते हैं सर मैं इंडिया में 50,000 रुपये कमाता हूँ, मेरे को कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। भाई अगर आप 50,000 कमाते हैं तो मैं तो बोलूँ यहीं सेट हो, 50,000 लगते ही तो तनख्वाह नहीं हुई ना, 5-7 साल 10 साल दिए हैं, उतना टाइम बोर दे दो 1,00,000 रुपये हो जाएगी। मैं तो बोलूँ इंडिया को छोड़ो ही मत, इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं मिलेगी आपको, 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है, आप यहीं सेटल हो। 50,000 तभी मिलता है तब आपकी स्किल बहुत अच्छी है, तो इंडिया में ग्रोथ करो, उसमें बेनिफिट रहेगा, समझ गए बात को। खाली चेक बोलते हैं सर मैं 13 मार्च को दुबई टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, अभी तक वीजा नहीं आया, उसमें क्या इश्यू आ रहा है। भैया वो भी मेरी गारंटी, उसकी भी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने सिर्फ वीडियो आप लोगों की हेल्प लिए डालता हूँ कि आप वीडियो को देख लें, एजेंट से कॉन्टेक्ट कर लें, आपको 7 बार अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर लें। अब आपका वीजा नहीं, बहुत सारे लड़कों की ये तो आपने, चलो मैंने कमेंट लिया, बहुत सारे लड़कों की शिकायत होती है सर ऑफर लेटर नहीं आया, सर एजेंट ये बोल रहा है, सर एजेंट फोन नहीं उठा रहा, वो सब की मेरी जिम्मेदारी है भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मेरा काम आपको, मैंने ये बोल दिया कि ये रास्ता उस जगह जाएगा, अब उस रास्ते में कितनी मोड़ हैं, आगे कैसे जाया जाएगा, रास्ता किधर से, वो तो यार आपको आगे चलोगे जैसे जैसे पता लग जाएगा, उसमें भी मेरी गलती, इतनी माथापच्ची मैं करूँगा तो मैं ही कर लूँ ना काम, फिर मैं ही ऑफिस खोल के बैठ जाऊँगा, मैं ही कमाऊँगा बहुत सारे पैसे, इस माथापच्ची से तो बचना चाह रहा हूँ ना, कि मैं इस चक्कर में नहीं जाना चाहता, माथापच्ची आप करवा लेते हो, समझ गए। तो भैया आप एजेंट से कॉन्टेक्ट करें, मेरे से नहीं करें, ठीक है। साथियों मैंने कोशिश करके वीडियो के जितने कमेंट थे मैंने आंसर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो में डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।